हमीरपुर के टाउन हॉल में बीजेपी महिला मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर जयराम ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर के अलावा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदु गोस्वामी, एचआरटीसी अध्यक्ष विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बीजेपी का मजबूत किला है और किसी भी नेता के कांग्रेस में जाने पर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और कांग्रेस उम्मीदवार तलाश करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का संसदीय सीट के अलावा प्रदेश और देश में योगदान रहा है, जिसका सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूत किला है और इस लोकसभा क्षेत्र में हम वर्षों से जीत रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी चीज़ का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कौन कांग्रेस का टिकट लेता है, और कांग्रेस में तो मैं देख रहा हूँ जिस दिन से हमने पार्टी के टिकट का ऐलान किया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, उस दिन के बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कुछ लोगों को इधर से पकड़ करके उधर से करके जो है चुनाव लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। और इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में बहुत मजबूत है। अनुराग जी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और पूरे देश भर में पार्टी के काम के लिए इनका योगदान रहा है, और उस दृष्टि से अब की बार यहाँ चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे और हमीरपुर बहुत बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। मंडी में मंत्री अनिल शर्मा की चुनाव में भागीदारी न करने पर जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक मंडी में टिकट का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है, इसलिए अभी तक अनिल शर्मा के मुद्दे पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। के सदस्य हैं, भाजपा के लिए वोट मांगे, हमारे पार्टी की ओर से तो यही है। लेकिन देखिए, सारे में जब अभी तक मंडी में कांग्रेस के टिकट का ऐलान हुआ नहीं, एक बात कांग्रेस में जाना परिवार में ऐसा कई परिवारों में पूरे देश भर में है, कुछ परिवार इधर जाते हैं, कुछ आधे इधर रहते हैं, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन जहां तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर चुनाव की बात आई तो अनिल शर्मा जी भाजपा के सदस्य, और उम्मीद करते हैं वो भाजपा के सदस्य के नाते हमारे मंत्रिमंडल में भी हैं, और मंत्रिमंडल में होने के साथ साथ में हम उनसे आग्रह करेंगे वो पार्टी के लिए काम करें। वहीं जयराम ठाकुर ने सुखराम के कांग्रेस में जाने पर कहा कि सुखराम ने कांग्रेस में जाकर अपना ही उपहास बनाया है। उन्होंने कहा कि मंडी में लोग इसी बात पर उपहास कर रहे हैं कि इस उम्र में सुखराम ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि सुखराम के कई करीबी बीजेपी पार्टी के संपर्क में हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे उनका परिहास बना है, मजाक बना है। मैंने मंडी में ही उनके बहुत नज़दीकी लोगों को भी उनने हमसे संपर्क किया कि अब बहुत हो लिया, अब ये इधर जाना उधर जाना ये हमारे बस के, हम आपके साथ हैं। तो आप ये आपकी बात हुई है? तो बात हुई थी, दिल्ली में हुई थी बात। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के अच्छे दिनों पर की जा रही टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो दलाली करते हैं उनके बुरे दिन आज भी जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छे दिन देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि मोदी ने 5 सालों में बहुत ज्यादा किया है। अच्छे दिन अगर 12% महंगाई कम होकर 2.5% रह गई हो, 30% टैक्स कम होकर 18 और 12% रह गए हो, भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई हो, 16.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को बगैर गारंटी के ऋण मिल गया हो, 55 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिल गया हो, 60 साल से उम्र के ज़्यादा वाले 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये पेंशन महीने की मोदी सरकार ने देने का काम शुरू किया हो, 12.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का अगले 10 सालों तक लगातार देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया हो, अगर ये मोदी जी ने कर दिया तो देखने का नज़रिया बदलिए। अच्छे दिन आगे जिनके आने थे, लेकिन जो दलाली खाते थे उनके बुरे दिन आए हैं, जो भ्रष्टाचार करते थे उनके बुरे दिन आए हैं, और उनके बुरे दिन जारी रहेंगे क्योंकि गरीब के अच्छे दिन आ चुके हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में वीरेंद्र कश्यप के द्वारा कैंपेनिंग न करने के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरी वीरेंद्र कश्यप से बात हुई है और उन्होंने कैंपेनिंग के लिए कुछ समय मांगा है।
दो दिन के लिए उन्होंने वक्त मांगा था और वो कैंपेन ज्वाइन करके हमारी बात हो गई। सर मंडी से महेश्वर सिंह जी और आज कुशाल सिंह जी ने भी कुछ बोला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो बोला है मैंने सुना नहीं कि क्या बोला उनने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ दोनों के दोनों से हमारी बातचीत हुई है और पार्टी का काम करेंगे।